युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों के चलते जिला प्रशासन ने रविवार को लॉकडाउन करने की घोषणा की, जिसके चलते आज यानी कि रविवार को जिला मुख्यालय पर भी लॉकडाउन रखा गया। लेकिन आमजन कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए खतरे को नजरअंदाज करते हुए दिखाई दिए। वहीं पुलिस प्रशासन भी सख्त दिखाई दिया और इस दौरान निकलने वाले वाहन चालकों के चालान भी बनाए गए। गौरतलब है कि शनिवार को जिले में कुल 50 नए कोरोना संक्रमित केस मिले, उसके बावजूद भी आज रविवार को लॉकडाउन होने के बावजूद भी आमजन है कि सुधरने को तैयार नहीं और कोरोना के बढ़ते खतरे को नजरअंदाज करते हुए सड़कों पर आम दिनों की तरह निकलते हुए दिखाई दिए। जबकि जिला एवं पुलिस प्रशासन ने पहले से ही हर रविवार को लॉकडाउन करने की घोषणा की हुई है। इसके चलते आज पुलिस प्रशासन ने प्रत्येक मुख्य चौराहे पर जाब्ता तैनात किया हुआ है और बिना किसी कारण के निकलने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के चालान भी बनाए गए। जिले में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आमजन है कि फिर भी सुधरने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ लोगों की लापरवाही का खामियाजा पूरे शहरवासियों को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबरों का युग, न्यूज युग। अगर आपने अभी तक हमारा न्यूज युग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सभी रोचक और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स लगातार मिलती रहे।